नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में सुंदर विहार कॉलोनी में वर्षा का जल भर जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान एक सांप के काटने के 6 वर्षीय बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चों को सांप काटने के बाद अस्पताल भर्ती कराया गया। यहाँ के हालात बहुत खराब है, वो तो कोई भी आपको बता सकता है। हम वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और हमने देखा कि पानी किस तरह से बह के आगे तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी निकासी का कोई भी सिस्टम नहीं है। आप देख पाएंगे, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जो वहाँ पे बिजली की तारें हैं वो आप देखेंगे कि जुगाड़ के जो खंभे होते हैं उस तरह से लटक रही हैं। अगर वो टूट जाती हैं तो पानी में करंट आ जाएगा। अभी हमने देखा कि कल एक बच्चे को सांप ने काटा और आज उसकी मृत्यु हो गई है। हम उसके घर के पास ही खड़े हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 बच्चों को और सांप ने काटा है। तो सरकार से हम यही उम्मीद लगाएंगे कि आप जल्द से जल्द इस कॉलोनी को पटरी पर लेके आइए, क्योंकि फिलहाल हालात बहुत ख़राब हैं इस कॉलोनी के और जीने लायक हालात यहाँ पर नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। अभी बारिश थमी है, बारिश फिर से होगी और हालात और ख़राब हो जाएंगे। बताइए, सबसे पहले तो मैं उस परिवार को सांत्वना देना चाहता हूँ जिनका बच्चा इस बारिश की वजह से उसको सांप काटा। कल मेरे संज्ञान में ये बात आई कि यहाँ पे एक बच्चे को सांप ने काट लिया, उसकी बेचारे की आज मेरे को पता चला, रात में फ़ोन आया अभी उसकी डेथ होगी। सबसे पहले तो मैं उसके परिवार को भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत और हौसला मिले। और दूसरी बात, जैसे कि भी बड़े भाई साहब बता रहे थे आपको, भी विकास से लेकर ये एरिया पिछले 40-45 साल से पिछड़ा हुआ है। ऐसा था सर, अब तक तो ये सारा एरिया अनअप्रूव्ड था। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस पूरे इलाके को अप्रूव्ड कर दिया सरकार ने, जो कि बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन क्या है कि बीच में लोकसभा का इलेक्शन आ गया, पहले हमारा इलेक्शन था, आचार संहिता लगी, उस टाइम कुछ काम पेंडिंग रहे, काम यहाँ का सारा मंजूर हो रखा है, सड़कों के टेंडर लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइटों के टेंडर लगने वाले हैं, सारा काम यहाँ पे ओके हुआ पड़ा है, जिस प्रकार से भी भाई साहब बता रहे थे। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा इलाका अप्रूव्ड हो चुका है। ये तो चलो कुदरत की मार है, बारिश आ गई, देखो इस पर तो किसी का भी बस नहीं है, कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। देखो रातों रात पड़े पड़े का नहीं पता होता, ठीक है ना। ये तो चलो एक आपदा आई, इस कॉलोनी वासियों को, गरीब तबका है, छोटे मजदूर तबके के लोग हैं, मैं इन सबको ये आश्वासन देता हूँ कि हम लोग सब इनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, हमारे विधायक श्याम सिंह राणा जी इनके साथ हैं 24 घंटे, एनी टाइम ये हमें फ़ोन करते हैं। मैं कई बार यहाँ बिना बुलाए भी आ जाता हूँ इस कॉलोनी में, इस कॉलोनी के लोगों के साथ हमारी वैसे भी पर्सनल अटैचमेंट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही जल्द इन सारी समस्याओं का हल होने वाला है, विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपके पास एक भी समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। जो आप मेरे को शिकायत करो या सरकार के आगे आप शिकायत करो, मेरा आप सबसे ये वादा है, मेरा इस सुंदर विहार कॉलोनी के लोगों से ये वादा है, जिस प्रकार का इसका नाम है ना सुंदर विहार, इसको सुंदर बना देंगे। लेकिन क्या है, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, ये बरसात तो देखो समस्या आप लोगों को सहनी पड़ेगी। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।